नाजरीन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद सहर। हमेशा की तरह इस बार भी एक मुनफरिद मौजू के साथ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान एक खूबसूरत पाकिस्तान है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने शहरी इलाकों में किए, महलात में किए, कदीम इमारात में किए, आज ये गांव और देहात के इस कल्चर पर कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बहुत प्यारे से दोस्त इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। इकबाल साहब, आपने बड़ी तादाद में यहाँ खरगोश पाल रखे हैं, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस प्यारे से पाकिस्तान में इतने सारे खरगोश आपने जो पाले, आखिर इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। हमारे कैद मोहम्मद अली जिन्ना कैद आज़म बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान बनाया और बहुत सी कुर्बानियाँ इसमें देना पड़ी। तो ये जानवर हमने बहुत हसास जानवर है, शौकिया तौर पे पाल रखा है, तो ये दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं और इसकी मुख्तलिफ नस्लें हैं। अच्छा, आप यानी ये दोस्तों को गिफ्ट्स भी करते हैं? जी। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्त में कितने खरगोश रहे हैं? तकरीबन 200 से ज़्यादा रहे हैं। अच्छा, 200 से ज़्यादा। और जिस वक्त आप खरगोश का आगाज़ किया था पालने का, तो आपने कितने जानवरों से किया था? दो जानवर लेकर आया था मैं। टोटल एक जोड़ा? एक जोड़ा लेकर आया था। यानी मेरे नाज़रीन के लिए, सुनने के लिए ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इकबाल साहब सिर्फ एक जोड़ा लाए थे और एक जोड़े से अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी कि 200 खरगोश बैक वक्त आपके पास रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आप इनको खिलाते क्या हैं? घास खिलाते हैं, सब्जियां खिलाते हैं, गाजर वगैरह खिलाते हैं। ये इधर से, ये खुली जगह इनके लिए रख रखी है, ये यहाँ से घास उगता है, ये खाते हैं, रोटी वगैरह भी डाल देते हैं और बच्चे भी शौक से देखते हैं, वो भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं। इकबाल साहब, घर वाले तंग नहीं आते? नहीं, ये बाहरली साइड पे रखे हुए ना, नीचे इनकी सुरंगें बनी हुई हैं। अच्छा, यानी यहाँ घर से बाहर रखे हैं? हाँ। और यहाँ नीचे इन्होंने सुरंगें बना रखी हैं और कुछ हमने खुद बनाई हैं, पक्की सुरंगें हैं और कुछ कच्ची सुरंगें हैं, मिट्टी बाहर हम फैलाते रहते हैं। नाजरीन, दो तरह की सुरंगें बता रहे हैं ये हमें, और बड़ी दिलचस्प बात है ये सुनने वालों के लिए कि एक किस्म पक्की सुरंगों की है जबकि दूसरी किस्म की जो सुरंगें हैं वो कच्ची मिट्टी के साथ बनाई हैं। अब ये दो किस्म की जो सुरंगें हैं, इनमें फिर दो कैटेगरीज हैं। एक किस्म वो है सुरंगों की जो इकबाल साहब ने बनाई है और दूसरी वो है जो खरगोशों ने बनाई है। अच्छा, आपने जो बनाई सुरंगें और जो खरगोशों ने बनाई, उन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये कच्ची ज़मीन में ज़्यादा बेहतर तरीके से रहते हैं, ऊपर से बंद भी कर दें तो ये बस कुदरत का निज़ाम है, इनका दम नहीं घुटता, तरोताज़ा ही निकल जाए। अगर सुरंग के ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाए, बंद हो जाए, तो भी मरने के चांसेस बहुत कम है इसके। ये खुद ही निकाल लेते हैं, यानी खुद ब खुद वो उसको निकाल लेंगे। हाँ, बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये प्यारा सा पाकिस्तान है और आप यहाँ ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर खरगोशों ने जो सुरंगें बना रखी हैं और आगे मिट्टी वगैरह आ जाए, यानी सुरंग बंद हो जाए, तो खरगोश खुद अपनी मेहनत से निकाल लेते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं। यानी यहाँ आप ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अगर ये देखें कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बंद होता चला जा रहा है, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम जो मेहनत करेंगे, ये मेहनत जो अमीर तबका है, क्या वो ज़्यादा कर सकता है या हम गरीब जो हैं वो करेंगे? जो अमीर तबका है ना, तो उन पर भी अल्लाह की अनायत है, वो भी मेहनत करते हैं, तो गरीब तबके को मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है। अच्छा, खरगोशों के साथ साथ ये प्यारे से जो हैं, ये क्या चीज़ हैं? ये तीतर है, तीतर। अच्छा, सफ़ेद तीतर है। सफ़ेद तीतर है। और इनको आप क्या खुराक देते हैं? इनको भी दाना डालते हैं। इनका दाना क्या है? ये गंदम वगैरह के दाने भी खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं। गंदम, बाजरा, हाँ जी, ये मुख्तलिफ किस्म के। ये एक मादी है और एक नर है, इसको छोड़ देना, मादी को ये नहीं जाता, नर नहीं जाता। क्या मतलब? इसको बाहर छोड़ दें, ये नर नहीं जाएगा, इधर खेलता रहेगा इसके पास। अच्छा, हाँ जी। और अगर हम नर को छोड़ दें? तो नर को छोड़ दें, ये मादी होगी, फिर भी ये इधर ही फिरता रहेगा। यानी ये जोड़ा है, अगर एक जोड़े को हम छोड़ देंगे, बाहर आज़ाद कर देंगे,
तो एक जोड़े को एक अदद जोड़े में से अगर एक को नर को या मादे को हम यहाँ से निकाल देंगे तो फिर वो इस पिंजरे से दूर नहीं जाएगा, यानी इधर ही खेलता रहेगा और बाद में इसके करीब रहेगा। जी जी, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ये प्यारा सा पाकिस्तान, ये आप दर्श दे रहे हैं कि मियाँ और बीवी की मिसाल भी ऐसी ही है इस पाकिस्तान में कि सारा दिन मेहनत और मुशक्कत करने वाला जब गरीब शोहर घर आता है तो बाहर जितनी भी वो मजदूरी करता है फिर अपने बीवी और बच्चों के लिए वो रिस्क लाता है। बिल्कुल, रिज़्क हलाल है ना, इबादत है, और बीवी की एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है अगर वो खुश होकर देख ले तो। यानी बीवी की एक मुस्कुराहट भी अगर खुश होकर देखे तो काफ़ी है, वो मजदूर की जो थकावट है वो उतार देती है। बिल्कुल ऐसा है। आप हमारे नाज़रीन को हमारे इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान से, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझें, किसी के जब वो मौजूद हो तो बात करें, तो उसके जब वो चला जाए बाद में नहीं बात करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ। यानी आम नाज़रीन के लिए ये पैगाम दे रहे हैं इकबाल साहब कि अगर कोई बात ज़रूरी भी है किसी के बारे में कुछ करना तो उसके मुँह पर कही जाए, पीठ पीछे ना की जाए। ये खूबसूरत सा मैसेज इकबाल साहब ने हमें दिया। यूट्यूब चैनल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान आबिद सहर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।